बहुत लेट हो चुकी है, अगर और लेट हो गए ना तो परी भाभी ने बुरा मान जाना है। तो सुन भी रहा है? नहीं यार, तो सुन लिया यार। हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है। यस यस। सचिन, आज से आपकी बहू विदिता जी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। हमारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है कि दूसरा वाला लेटर विदिता जी ने नहीं लिखा था। पेशेंट से ये कुछ चीजें मिली हैं। पुलिस तब तक अपना काम करती है जब तक किसी केस में उम्मीद जिंदा रहती है, और अगर उम्मीद मर जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी फुल स्टॉप लग जाता है। मान लो विधि किसी जंगल में खो गई, जंगली जानवर। विधि पुलिस को मिलेगी जरूर, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगी। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नर्स, कुछ करिए। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, पुष्कर मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? विधि चली गई ना मुझे छोड़ के, अब मैं भी चले जाऊंगा। मैम पुष्कर देखो पागल हो गए क्या? पुष्कर वेरी गुड। पुष्कर चलो, बाहर तुम्हारी फैमिली वेट कर रही है। मॉम आपको क्या लगता है, भाई ठीक हो गए होंगे ना? कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और तुझे सब कुछ बता दे और इस जिम्मेदारी से फ्री हो सके। जाने की तैयारी हो गई पुष्कर? आज का डोज ले लिया ना? आ रंगीला, मैं जंगल गया था। जंगल? जंगल कब गए थे पुष्कर? द गुड न्यूज इज कि इसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। बैड न्यूज इज इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कह सकते। रूल के हिसाब से हम इसे डिस्चार्ज करके तुम्हें सौंप देंगे। सॉरी डॉक्टर, मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगा। अब तो बता दे सच सच पूछकर राठौर, के क्या हमारी विदिता के साथ, कैसे जंगल भाग गई वो? तो चिट्ठी भी तो उसने को नहीं लिखी थी। तो मुझे तुम मिली ना, तो तुम्हारे पास से ये पायल मिली। किस्मत भी अच्छा मजाक कर रही है मेरे साथ, मैं भी अधूरी और ये पायल भी। अश्विन भाई साहब एक बार मेरी बात। मार दिया विधि को मॉम मैंने, आप क्यों लाई मुझे वापस? मॉम मुझे वापस भेज दीजिए। मॉम हाथ छोड़ता हूँ आपके आगे। अच्छा तो तुम हो पायल जिसने दो महीनों से मेरे कबीर को मुझसे छीन के रखा है। पर ये लगता है मुझे तेरी बद्दुआ लग गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुमने इसे एडमिट किया था और अब इसके डिस्चार्ज होने के बाद ये मुझे ही सौंपेंगे इसे। कबीर एक आइडिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काफी सालों बाद जेल काट के लौटा हूं। थैंक्स टू माय एंजल। इसने क्या जुगाड़ लगाया भाई। कबीर क्या कर रहा तू? कबीर मेट्रो ना जाएगी। कबीर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पायल दरवाजा खोलो। आई सेड ओपन द डोर। पता है मैं तुम्हें किससे मिलवाने वाली हूँ? मैंने तुम्हारा पति ढूंढ लिया है, नितिन राणा। मैं माँ होकर भी पुष्कर के इतने करीब नहीं हो पाए जितने कि तुम। अगर विदिता के बारे में कुछ जानते हो तो आज तुम बताओ। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। अरे तो मैडम जी ने इतना बड़ा काम किया हमें मिला करके, तो इनके हॉस्टल के लिए हम कुछ चंदा दे रहे हैं ताकि जरूरतमंद लड़कियों की मदद हो जाएगी। अरे पंडित जी, अभी तक कन्यादान का समय शुरू नहीं हुआ? हाँ हाँ, कन्यादान का समय हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। जरूर ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बधू के माता पिता आ गए हैं। रुकिए, मेरे परिवार में से सिर्फ आप दोनों ही क्यों आए हैं? मेरा मतलब है मेरे भाई बहन बाकी रिश्तेदार है ना, स्कूल गए हुए। भाई बहन स्कूल गए हुए हैं, दो महीनों के बाद उनकी बहन उन्हें मिली है और वो स्कूल चले गए। आज शादी में आने के बजाय, मुझसे मिलने के बजाय उनके लिए स्कूल ज्यादा जरूरी है। अरे समझा करो, उनकी परीक्षा थी इसलिए जाना पड़ा।
अरे आप लोग क्या देख रहे हैं, कन्यादान कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। एक मिनट, मेरा जन्मदिन कब आता है? हमारी बोली भंडारण बेला बार सिकर तू पैरी और रखी है कमरे में घुप अंधेरा कर रखे जी बना ना लाइट तो मैं भी खोल सकूं ना। अरे अरे क्या है ये? क्या कर रखा है पतंगे बाहर उड़ रहा मांझा हमारे कमरे में किसी ने डाल दिया। रंगीला ये सब क्या हुआ? तुम ठीक तो? ना 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 मुस्कुरा बना सुना मत, वो मांझा हमारे को चोट दे रहा है। सॉरी रंगीला, मैं तुम चिंता मत करो, मैं सब हटाता हूँ, मैं निकालता हूँ। अरे पकड़, लड़की भाग गई, पकड़। एक बार जो चीज पसंद आ गई तो पसंद आ गई, मर्जी से मिले तो ठीक, नहीं तो छीन लेते हैं हम। अब तो मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जल भीतर से मंदराचल पर्वत को सतह पर लाएंगे कुर्म शक्तिधारी श्री कृष्ण और रक्षा करेंगे वृंदावन वासियों की। किंतु कर्कासुर जाओ, यही उचित समय है, उस कुर्म को समाप्त कर दो और अपना प्रतिशोध ले लो। तभी कर्कासुर प्रवेश करता है यमुना में और होती है यमुना रक्त की लाल। अखिलेश की और मेरी बच्ची है। डॉक्टर साहब का बात है? उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। इसी उंगली में तो अंगूठी पहनाई जाती है ना सगाई माँ। भाई भैया बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पगली, आज तुम्हारा काम तमाम करके तुम लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ कि एक तो इतना अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ तो ये प्रॉब्लम है, ट्रिपर नीचे गिर गया। लेट्स स्विच इट ऑन। किशन किशन उठो ना, आंखें खोलो। सच सच बताना साक्षी, किशन से प्यार करती हो ना? कहा ना नहीं नहीं करती। अब बता, अखिलेश की और मेरी बच्ची है। डॉक्टर साहब का बात है? उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। इसी उंगली में तो अंगूठी पहनाई जाती है ना सगाई माँ। इतने सालों से मैं यही सोचती थी कि रुद्र को सिद्धि ने मारा है, लेकिन तूने उसे मारा। तूने आज अपने हाथों से अपने बड़े बेटे की होने वाली संतान को मार डाला। क्यों किया आपने ऐसा? किस चीज की भूख थी आपको जिसके कारण आपने इतने लोगों की जान ले ली?
वैसे राजकुमारी जी, आपका इतना सुंदर श्रृंगार किया किसने? श्रृंगार? राजकुमारी, आपने बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार किया जैसा हमने चाहा था। आपको हमारे मन की बात कैसे पता चली? ये सब तुमने किया है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो हमें जहाँ छोड़ा वहीं पड़े थे। हाँ यदि आपको हमसे प्रेम हो गया है तो आप स्वीकार कर लीजिए, मैं कोई बुराई नहीं है राज। सेनापति, व्यवस्था कीजिए, सूर्योदय के साथ ही उज्जैनी के युवराज को मृत्यु दंड दिया जाएगा।